नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनोप्सिस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम 11th क्लास के यूनिट 1 डिजिटल लिटरेसी एडवांस का क्विक रिवीजन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो कौन कौन से टॉपिक होंगे हमारे आज के डिस्कशन के इस वीडियो में, वो देख लेते हैं। कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर और नंबर सिस्टम। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपका 10 मार्क्स की प्रेपरेशन हो जाएगी फाइनल एग्जाम के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आप पूरा देखें और ध्यान से देखें। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि इस चैप्टर का नाम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर क्यों है। फंडामेंटल होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड उसके बेसिक्स और इसेंशियल थिंग्स। तो इस चैप्टर में हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी बेसिक और इसेंशियल थिंग्स हैं वो हम पढ़ेंगे, और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं कंप्यूटर की बेसिक और इसेंशियल, हमें कंप्यूटर के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए, ब्लॉक डायग्राम के बारे में, जनरेशन, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर और नंबर सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं इसेंशियल और एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र से रॉ डाटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है और उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है जो यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है। ये कंप्यूटर की डायग्राम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एडवांटेज हैं कंप्यूटर के कि इसकी हाई स्पीड होती है, एक्यूरेसी के साथ काम करता है, डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर को, डिलीजेंस मीन्स कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट एनी रेस्ट कंटिन्यूसली, ऑटोमेशन मीन्स हम कंप्यूटर के काम ऑटोमेट कर सकते हैं, उसके लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वर्सेटैलिटी मीन्स कंप्यूटर कैन डू लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, रिलायबल होता है कंप्यूटर पे ऊपर काम करना और कंप्यूटर की कोई भी फीलिंग नहीं होती, इसका ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, सिक्योरिटी, कोई भी आपका डाटा हैक कर सकता है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं आपको, वायरसेस आ सकते हैं आपके कंप्यूटर में, कंप्यूटर का IQ नहीं होता तो ये अपने आप डिसीजन नहीं लेता है कोई भी, साइबर क्राइम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, कंप्यूटर का डे बाय डे यूज़ होने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, डिपेंडेंसी हमारी कंप्यूटर के ऊपर बढ़ रही है, ये अच्छी बात नहीं है, और ये ह्यूमन बीइंग को लेज़ी बना रहा है तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन क्या है हमारी कंप्यूटर की, कम्युनिकेशन के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, जैसे गूगल मीट, टाइप, बैंकिंग में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है आपका ATM मशीन में, एजुकेशन जैसे बाईजूस प्लेटफॉर्म है हमारा, वहाँ पे हमारा कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही है, मिलिट्री में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है सिमुलेशन के लिए, साइंस में डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट हमारे कंप्यूटर की हेल्प से किए जा रहे हैं, बिजनेस में हमारा जैसे शेयर मार्केट देख सकते हैं वो काफ़ी कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट है, हेल्थ केयर में भी हमारा कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉक डायग्राम। मेनली जो कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम होती है उसमें 3 पार्ट्स हैं हमारे, CPU, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। ये है डायग्राम हमारी कंप्यूटर की, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और ये CPU। CPU के अंदर है 3 चीज़ें, ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। इनपुट यूनिट्स क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी होती है या कोई डाटा इनपुट करना होता है वो इनपुट यूनिट से करते हैं, और कंप्यूटर उनको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके CPU को फॉरवर्ड कर देता है। उसके बाद जो मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का वो है हमारा CPU। CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ अदर यूनिट्स। यूज़र जब इनपुट डिवाइसेस से इनपुट सप्लाई करता है CPU को, तो CPU उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है ताकि वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सके। उसके बाद आता है हमारा ALU। ALU हमारा होता है अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट। ये इसमें आपके अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन। और CU होता है आपका कंट्रोल यूनिट, ये आपका कंट्रोल करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन जो भी कंप्यूटर के अंदर हो रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारा चीज़ हमारा कंट्रोल करता है CU। उसके बाद मेमोरी यूनिट, आपका जो कैलकुलेशन के दौरान डाटा स्टोर करना है या रिजल्ट स्टोर करना है वो हमारा मेमोरी यूनिट में स्टोर होगा। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट डिवाइसेस, जो
सीपीयू ऑपरेशन करने के बाद आउटपुट जनरेट करता है, रिजल्ट जनरेट करता है, वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू यूज़र को मिलते हैं। अगर मॉनिटर होगा आउटपुट डिवाइसेस तो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, अगर हार्ड कॉपी चाहिए होगी तो हम प्रिंटर का यूज़ करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये था ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक, वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर की जनरेशन को जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी कंप्यूटर ने यूज़ की हुई है उनके बेसिस के ऊपर डिस्टिंग्विश किया हुआ है। स्टार्टिंग में जो हम कंप्यूटर की जनरेशन को डिस्टिंग्विश करते थे वो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही डिस्टिंग्विश करते थे, बट आज के टाइम में हम जनरेशन को डिस्टिंग्विश करते हैं तो वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ों को देखते हैं। तो जो कंप्यूटर का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो 1940 से स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, और अभी तक चला हुआ है। तो ये है हमारी डायग्राम, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर काफ़ी बड़े थे, सेकंड थोड़े छोटे हो गए, थर्ड उससे भी छोटे हो गए, फोर्थ और छोटे हो गए, और फिफ्थ जो हम आज के टाइम में कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे घरों में। अब हम इनमें जो टेक्नोलॉजी वाइज डिफरेंस है वो देखेंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो स्टार्ट हुआ था, जो पीरियड था, वो था 1940 से 1956। इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी हमारी डिस्प्ले यूनिट में, और इनका साइज बहुत बड़ा था, कॉस्टली होते थे, और वैक्यूम ट्यूब्स को कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती थी। पंच कार्ड से आप डाटा इनपुट करते थे कंप्यूटर को, कैलकुलेशन इसकी फास्ट होती थी जो उस टाइम के सिस्टम होते थे उनके कंपैरिजन में। जो डिसएडवांटेज हैं वो मैं रेड कलर में लिख रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो स्टार्ट हुआ हमारा 1956 से 1964 तक। इसमें जो हमारे ट्रांजिस्टर आ गए, ट्रांजिस्टर आने से हमारा जो साइज है वो छोटा हो गया हमारे कंप्यूटर का, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट अभी भी थी सेकंड जनरेशन में भी, पंच कार्ड से ही इनपुट सप्लाई हो रही थी सेकंड जनरेशन में भी, और मेंटेनेंस इन कंप्यूटर में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हुआ करता था। उसके बाद हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से 1971 तक। इसमें आईसीज यूज़ होने शुरू हो गए, इसके कारण क्या हो गया, इन कंप्यूटर का जो साइज है वो सेकंड और फर्स्ट जनरेशन से बड़ा ही छोटा हो गया, जो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात थी। फास्ट हो गए ये कंप्यूटर, रिलायबल हो गए क्योंकि साइज छोटा हो गया इनका, सस्ते हो गए, चीपर हो गए देन प्रीवियस जनरेशन। माउस और कीबोर्ड का यूज़ होना भी थर्ड जनरेशन में ही स्टार्ट हुआ, बट इनका जो डिसएडवांटेज था वो था कि आईसीज जो चिप्स होती हैं उनकी मेंटेनेंस बड़ी डिफ़िकल्ट होती थी। उसके बाद है हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो था 1972 से 1990 के बीच में। इसमें BLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड टेक्नोलॉजीज यूज़ होना शुरू हो गई। BLSI मीन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इनमें जो मल्टीपल डिवाइसेस चिप के ऊपर इंटीग्रेट हो जाते थे, ये सिस्टम जो थे वो पहले वाले सिस्टम से ज़्यादा फास्ट थे, स्मॉल इन साइज थे, इनमें लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत थी, और हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन आर वेरी कम्प्लेक्स, ये इसका डिसएडवांटेज हुआ करता था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पीरियड था 1990 से ऑनवर्ड। इसमें ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ होना शुरू हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आना शुरू हो गया, यूज़र फ्रेंडली हो गए काफ़ी ये, नीड लो लेवल लैंग्वेज मेक ह्यूमन ब्रेन डल, ये इसके डिसएडवांटेज। तो ये ओवरऑल था हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर हम शॉर्ट में देखें तो फर्स्ट से फिफ्थ जनरेशन में आते आते हमारा जो साइज है वो कम होता गया, स्पीड बढ़ गई, कूलिंग सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो गई। ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज़ करने के कारण हुआ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर मेमोरीज। पहले आप ये डायग्राम देख लो कि कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप की है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारा रैम और रोम है, ये फर्दर रैम स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में डिवाइड है, और रोम हमारा PROM और EEPROM में डिवाइड है। और सेकेंडरी मेमोरी हमारे दो तरह के हैं, इसमें डिवाइसेस होते हैं फिक्स्ड डिवाइसेस और रिमूवेबल डिवाइसेस। फिक्स में आ गए जैसे हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क, और रिमूवेबल में क्या आ गए हमारे कम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मेमोरी हमारी यूज़ होती है डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए।
मेमोरी आपकी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल हो सकती है। ऐसी मेमोरी जिसका कंटेंट इरेज हो जाता है कंप्यूटर की पावर ऑफ होने के बाद, उसको बोलते हैं हम वोलेटाइल मेमोरी। मतलब आपका जो कंटेंट है वो सेव नहीं होगा वोलेटाइल मेमोरी में। ऐसी मेमोरी जिसका कंटेंट कंप्यूटर की पावर ऑफ होने के बाद इरेज नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब जो मेमोरी है हमारी दो टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी भी बोलते हैं और इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। और यहाँ सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी हमारा डायरेक्टली एसेसिबल बाय सीपीयू होती है, बट सेकेंडरी मेमोरी हमारी नॉट डायरेक्टली एसेसिबल बाय सीपीयू। नेचर ऑफ पार्ट्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी वेरीज। रैम इज़ वोलेटाइल और रोम क्या होती है, नॉन वोलेटाइल। बट जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो हमेशा ही आपकी नॉन वोलेटाइल ही होती है। प्राइमरी मेमोरी आपकी फास्ट होती है, स्मॉल इन साइज होती है, बट एक्सपेंसिव होती है। बट जो सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या है हमारी, वो स्लो होती है, लार्ज इन साइज होती है। बट इसका जो हमारा एडवांटेज होता है वो होता है कि इनएक्सपेंसिव होती है, सस्ती होती है प्राइमरी मेमोरी से, जिससे जो हमारा कंप्यूटर बनता है वो कम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी से हम बनाते हैं, ताकि कॉस्ट और स्पीड का हम बैलेंस बना सकें। जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें दो टाइप्स होती हैं हमारी, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रेफर ड्यू टू रैंडम सिलेक्शन ऑफ मेमोरी लोकेशन, इसका नाम तभी पड़ा है। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है जो रैम होती है, और ये फास्ट होती है और वोलेटाइल होती है। इसके दो टाइप्स हैं, एस रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। दूसरी तरफ आ गया हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी हैज़ परमानेंट मेमोरी लोकेशन होती है यहाँ पे। ये रैम से स्लोअर होती है और नॉन वोलेटाइल होती है। इसके टाइप हैं हमारे पास पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम। सेकेंडरी मेमोरी में जो फिक्स डिवाइसेस होते हैं, मींस ऐसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं और हम इनको रिमूव नहीं कर सकते हैं इजीली, इंटरनल मीडिया हम इनको बोलते हैं। इसमें आ गए हमारे हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट डिस्क। और रिमूवेबल डिवाइसेस हो गए जिनको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, और एक्सटर्नल मीडिया डिवाइसेस हम इनको बोलते हैं, जैसे पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क। तो ये था हमारा कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड, कंप्यूटर मेमोरीज के यूनिट्स। तो यूनिट भी पता होने चाहिए जो मेमोरी के होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट यूनिट्स या फिर इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस वो यूनिट होते हैं या वो डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर को इनपुट सप्लाई करते हैं। ये है हमारे पास इनपुट यूनिट्स के एग्जांपल, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, ओसीआर, एमआईसीआर, लाइट पेन और बारकोड रीडर। हम स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड से, इनके बारे में डिस्कशन। कीबोर्ड आपका वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लगी होती हैं, जैसे अल्फाबेटिक कीज़ होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं, F1, 2, F12, न्यूमेरिक कीज़ होती हैं जिनमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिखी होती हैं, 1 to 10। कंट्रोल कीज़ होती हैं, जैसे कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट। नेविगेशन कीज़ होती हैं नेविगेट करने के लिए। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कीबोर्ड की डायग्राम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की की। अब इसके एडवांटेज हैं कीबोर्ड के, कि हम जो डाटा एंट्री यहाँ पे क्विकली कर सकते हैं, और लोगों को इसके लिए ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिसएडवांटेज क्या है, इससे डायग्राम वगैरह ईजिली क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और जो पीपल डिसेबल होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके लिए कीबोर्ड को क्रिएट करना डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट है माउस। माउस आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ये आपका कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कर्सर को कंट्रोल करता है, और आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन माउस के कर्सर के थ्रू क्लिक कर सकते हैं और उनको एक्सेस कर सकते हैं। माउस में यूजुअली दो बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट, और सेंटर में एक व्हील होता है। ये यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, ये हमारा व्हील और ये केबल आपकी जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है। अब हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं माउस के। कंप्यूटर माउस के जो एडवांटेज है वो है कि बड़ा कम स्पेस लेता है ये डेस्क का, रैपिडली नेविगेशन के लिए हमारा माउस बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर हमने स्क्रीन के ऊपर रैपिडली नेविगेट करना है। कीबोर्ड से स्लोली होता है हमारा नेविगेशन। फास्ट होता है,
जहाँ पे हमें सिलेक्शन करनी हो। और डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए हमें फ्लैट सरफेस की ज़रूरत पड़ती है और ये इजीली डैमेज हो जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माउस हैं हमारे पास, वायरलेस, ऑप्टिकल और मैकेनिकल। स्कैनर हमारा स्कैनिंग के लिए यूज़ होता है, जिससे जो हमारी हार्ड कॉपी है या हार्ड कॉपी का कोई डॉक्यूमेंट जैसे इमेज है या कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट है, उसको हम डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर और उसको फर्दर एडिट कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को। तो ये है आपकी इमेज, मैंने यहाँ पे शो की हुई स्कैनर की। यहाँ पे आप उस डॉक्यूमेंट को रखेंगे और उसको स्कैन कर लेंगे। एडवांटेज इसमें ये है कि आप इमेजेस को स्कैन कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का बड़ा ही फास्ट तरीका है आपका स्कैनिंग। ये एक्सपेंसिव होता है और क्वालिटी इसकी डिपेंड करती है इसके रेजोल्यूशन के ऊपर। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास स्कैनर है, फ्लैट बेड स्कैनर, शीट बेड स्कैनर, पोर्टेबल स्कैनर और ऑल इन वन स्कैनर। जॉयस्टिक हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो हमारा यूज़ होता है कर्सर को मूव करने के लिए मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर। जॉयस्टिक मूव इन ऑल फोर डायरेक्शन। इसके एडवांटेज ये हैं कि माउस के कंपैरिजन में जॉयस्टिक को पकड़ना थोड़ा इजी होता है और इट्स गिव्स यूज़र फीलिंग ऑफ मोर रियलिस्टिक एक्शन। और इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये लिमिटेड टू सर्टेन अप्लाइंसेस, और दूसरा ये है कि इसकी जो डायरेक्शन होती हैं वो भी लिमिटेड ही होती हैं, मोस्टली फोर डायरेक्शन ही होती हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट और राइट। ये था जॉयस्टिक के बारे में। बाकी इनपुट डिवाइस जैसे लाइट पेन है हमारा, वो क्या करता है, हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है सिमिलर टू पेन। इससे क्या होता है, हम भी किसी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर इसको पॉइंट करते हैं और जिससे मॉनिटर इसको सेंस करके इनपुट गेट करता है। ये इसकी डायग्राम दी हुई है। माइक्रोफोन से आप अपनी वॉइस कंप्यूटर को इनपुट कर सकते हैं और वो वॉइस आपकी कंप्यूटर में स्टोर हो सकती है, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये है माइक्रोफोन का इमेज। मैग्नेटिक इंक का रीडर, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, बैंक्स में मोस्ट प्रोबली यूज़ होता है ये, मोस्टली चेक्स वगैरह रीड करने के लिए यूज़ होती है। बार कोड रीडर आपने अपना देखा होगा जो बड़े बड़े मॉल्स या बड़ी बड़ी शॉप्स में आपके बार कोड रीडर यूज़ होते हैं किसी भी आइटम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रीड करने के लिए जो बार के फॉर्मेट में होती है। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, अगर आप कोई भी इमेज के ऊपर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर से स्कैन करेंगे तो उसके ऊपर कोई भी जो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लिखी होगी उसको वो रीड कर लेगा और उसको कंप्यूटर को इनपुट कर देगा। तो इससे हम बड़ा फास्टली ईजीली रीड कर सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी इमेज के ऊपर से। नेक्स्ट आ गए हमारे आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आपके रिजल्ट जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होते हैं। मॉनिटर एंड प्रिंटर आर दी मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस। एग्जांपल हैं, आउटपुट जो यूनिट हैं उसके मॉनिटर इज यूज टू डिस्प्ले द प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, स्पीकर टू जनरेट द साउंड, उसके बाद प्रिंटर टू प्रिंट आउटपुट ऑफ द रिजल्ट ऑन हार्ड कॉपी, और प्लॉटर जो वेक्टर ग्राफिक प्रिंटर भी होता है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। मॉनिटर आपके टाइप के होते हैं CRT और फ्लैट स्क्रीन। फ्लैट स्क्रीन में हमारे आगे LCD, LED और प्लाज्मा। मॉनिटर आज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट। CRT हमारा फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, आल्सो नोन एज पिक्चर ट्यूब। इट इज़ चीपेस्ट, ये सस्ते होते हैं बट इनका वेट बड़ा ज़्यादा होता है। एडवांटेज इनकी ये है कि ये चीपर होते हैं, व्यूइंग एंगल इनका ज़्यादा होता है और इजी टू इंक्रीज मॉनिटर ब्राइटनेस। ये इसके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज आ गए कि डिफ़िकल्ट टू मूव अराउंड, अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो CRT हैवी वेट होते थे, हार्मफुल रेडिएशन निकलती है इनसे और कंज्यूम मोर पावर। ये है CRT की डायग्राम। LCD आपके लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले फ्लैट स्क्रीन में आते हैं ये LCD हमारे। ये CRT के कंपैरिजन में थिन होते हैं और कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ये आपकी डायग्राम LCD की। एडवांटेज है कि ये थिन और लाइट वेट होते हैं, दीवार पे हम इनको इजीली लगा सकते हैं, लेस एनर्जी कंज्यूम करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। डिसएडवांटेज है इनके एक्सपेंसिव होते हैं, लोअर कंट्रास्ट देन CRT और रिस्ट्रिक्टेड व्यूइंग एंगल।
ये इसके डिसएडवांटेज हैं। एप्लीकेशन है इनके जैसे लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर, ऑप्टिकल इमेजिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये इसके एप्लीकेशन। नेक्स्ट आ गया हमारा LED। ये आपकी फ्लैट पैनल डिस्प्ले डिवाइसेस होते हैं जिसमें लाइट एमिटिंग डायोड यूज़ होती हैं वीडियो डिस्प्ले के पिक्सल के रूप में। मॉडर्न जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन, TV, LED डिस्प्ले का ही यूज़ करते हैं। ये कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं और इनका मोस्टली यूज़ चार्जेबल डिवाइसेस में होता है। ये आपकी डायग्राम LED की एडवांटेज है इसके, जैसा कि मैंने बताया आपको यहाँ पे सेव एनर्जी, लाइट वेट, हाईर कॉन्ट्रास्ट। और डिसएडवांटेज है इसके कि ये एक्सपेंसिव होती है LCD से भी। एप्लीकेशन इसके हैं जैसे LED बल्ब। उसके बाद आ गया हमारा प्लाज्मा डिस्प्ले। ये भी फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले डिवाइसेस होते हैं आपके। इसमें हमारी आयनाइज गैस रिस्पोंड करती है इलेक्ट्रिकल फील्ड के अगेंस्ट, जिससे हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती है आउटपुट। ये डायग्राम में देख सकते हैं आप कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा। एडवांटेज इसके ये होते हैं कि ये मोर कम्पैक्ट होती है CRT LCD के कंपैरिजन में। इसका व्यूइंग एंगल ज़्यादा होता है, ज़्यादा कलर डिस्प्ले करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, फ्लिकरिंग इफेक्ट, एक्सपेंसिव होती है, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है और हाई अल्टीट्यूड पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इन सब में अगर हम डिफरेंस देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिज़िकल डिफरेंस, और ये है आपका इनका टेक्नोलॉजी वाइज डिफरेंस। पावर कंजम्पशन आपकी CRT में ज़्यादा होती है, LCD में मीडियम, LED में सबसे कम और प्लाज्मा में हाई। कॉन्ट्रास्ट रेशो आपकी जो LED की हाई होती है और प्लाज्मा की भी हाई होती है। कॉस्ट आपकी CRT की लो होती है, LCD की भी आपकी LED से लो होती है, प्लाज्मा से भी लो होती है, बट CRT से ज़्यादा होती है। LED की हाई कॉस्ट होती है और प्लाज्मा की भी हाई कॉस्ट होती है। वेट आप देख सकते हैं कि CRT का ज़्यादा होता है साइज़ भी और वेट भी, LCD का थोड़ा कम होता है, LED का सबसे कम होता है और प्लाज्मा का मीडियम होता है। व्यूइंग एंगल CRT का ज़्यादा होता है, LCD का लो होता है, LED का मीडियम और प्लाज्मा का हाई होता है। प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है, ये वेक्टर ग्राफिक को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है हमारा। ये इनके टाइप्स हैं। प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक इन वेराइटी ऑफ कलर्स। इसके टाइप हैं हमारे पास फ्लैट बेड प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर और इंक जेट प्लॉटर। और एडवांटेज हैं आपके इसके, इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग ड्राइंग्स, कैन प्रिंट लार्ज साइज पेपर, हम लार्ज साइज पेपर के ऊपर भी प्रिंट कर सकते हैं। और अच्छी क्वालिटी का प्रिंट आउट निकालना हो तो हमारे प्लॉटर यूज़ होते हैं। डिसएडवांटेज ये हैं कि ये प्रिंटर के कंपैरिजन में स्लोअर होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, ये हमारे प्लॉटर के डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है हमारा जो बड़ा ही कॉमन और फेमस आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। ये दो टाइप का होता है, इम्पैक्ट या दूसरा है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में भी फर्दर डिवाइड है करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। करेक्टर में आ गए हमारे डॉट मैट्रिक और डेजी व्हील, और लाइन में आ गए हमारे ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट में हमारे आ गए लेजर जेट, इंक जेट और थर्मल प्रिंटर। अब इनका थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हम। प्रिंटर हमारा एक्सटर्नल आउटपुट डिवाइस है जो हमारा आउटपुट को पेपर के ऊपर प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, आपका एक हैमर और पेन स्ट्राइक करता है रिबन के साथ, और जिससे जो आपका पेपर के ऊपर टेक्स्ट प्रिंट हो जाता है। इस तरह के प्रिंटर लो कॉस्ट के होते हैं बट काफ़ी नॉइसी होते हैं, उनसे आवाज़ बड़ी ज़्यादा आती है। करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर इसके दो टाइप होते हैं। करेक्टर प्रिंटर में एक करेक्टर एट ए टाइम प्रिंट होता है, और इसका एग्जांपल है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर में आपकी एट ए टाइम सिंगल लाइन प्रिंट हो जाती है, इसका एग्जांपल है ड्रम प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट में आपकी नॉन इम्पैक्ट टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं प्रिंट के लिए, जैसे इंक जेट और लेज़र जेट। ये फास्ट होते हैं, हाई क्वालिटी का प्रिंट आउट प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। इसमें भी दो टाइप होती हैं, करेक्टर और पेज। करेक्टर में क्या होता है, प्रिंट करेक्टर बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक ऑन टू
पेपर, इसका एग्जांपल है हमारा इंकजेट प्रिंटर, और दूसरा है हमारा पेज प्रिंटर। इसमें क्या होता है, होल पेज एट ए वंस प्रिंट हो जाता है। लेजर प्रिंटर इसका एग्जांपल है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर में क्या होता है, करेक्टर प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स एंड हेड कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स। ये इनएक्सपेंसिव होता है और वाइडली यूज होता है, बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, स्लो और लो क्वालिटी का प्रिंट आउट प्रोड्यूस करता है। ड्रम प्रिंटर में क्या होता है, इसमें एक ड्रम होता है जिसमें नंबर ऑफ करेक्टर प्रिंट किए होते हैं। ये डॉट मैट्रिक प्रिंटर के कंपैरिजन में फास्ट होता है, बट इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें जो फॉन्ट हम चेंज नहीं कर सकते। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं वो आपके हाई क्वालिटी के प्रिंट आउट निकालते हैं, स्लो होते हैं कंपेयर टू लेज़र प्रिंटर। ये इसका डिसएडवांटेज है। और जो लेज़र प्रिंटर है वो हाई स्पीड से प्रिंट आउट निकालते हैं, क्योंकि होल पेज एट ए टाइम प्रिंट कर देते हैं ये, बट इनका डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्सपेंसिव होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट प्रिंटर। नेक्स्ट, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है प्रिंटर और प्लॉटर के बीच में। प्रिंटर हाई स्पीड से प्रिंट कर सकता है प्लॉटर के कंपैरिजन में, प्रिंटर की कॉस्ट भी कम होती है प्लॉटर के कंपैरिजन में। और सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं प्रिंटर और प्लॉटर में, बोथ कैन प्रिंट हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, दे बोथ आर आउटपुट डिवाइसेस। ये हैं इनकी सिमिलैरिटीज़, बाकी भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, जो आउटपुट डिवाइस है वो बड़ा ही फेमस आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर। इट टेक्स इनपुट फ्रॉम कंप्यूटर साउंड कार्ड एंड प्रोड्यूस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव। इट इज़ यूज टू लिसन साउंड फ्रॉम कंप्यूटर। ये इसकी डायग्राम है। इट हेल्प ब्लाइंड पीपल, साउंड एम्पलीफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं स्पीकर को। और इसका एडवांटेज है कि ये वेरी सिंपल टू ऑपरेट। डिसएडवांटेज ये होता है कि स्पीकर से जो आउटपुट निकलती है, जो साउंड निकलती है, वो बाकी लोगों को डिस्टर्ब कर सकती है, और हाई क्वालिटी के जो स्पीकर होते हैं वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये था स्पीकर के बारे में। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर आपके दो टाइप्स के होते हैं मेनली, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपके सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, और प्रोग्राम्स आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। इन इंस्ट्रक्शन को हम जब कंप्यूटर को सप्लाई करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट करते हैं, तो कंप्यूटर हमें इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके जो डिज़ायरेबल रिजल्ट होते हैं वो प्रोड्यूस करता है। जो सॉफ्टवेयर है वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ। ये बेसिकली तीन टाइप के हैं हमारे पास। ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बड़ा ही फेमस और इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है हमारे पास, ये आपका इंटरफेस होता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। इसके एग्जांपल है जैसे MS विंडोज, लिनक्स और एंड्रॉयड। दूसरे आगे हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये क्या करते हैं, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देते हैं जिनको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। इसके तीन टाइप है हमारे पास। इंटरप्रेटर, जो लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइलर, जो पूरी फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। असेंबलर, जो असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। और तीसरा है हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। These software help to analyze and configure, optimize and maintain the system created by manufacturer. इसमें जैसे डिस्क क्लीनर, डिस्क बैकअप, इस तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं जो हमारे डिवाइस में बाई डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क एंड रन ओवर दी सिस्टम सॉफ्टवेयर। कुछ पर्टिकुलर टास्क के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और ये सॉफ्टवेयर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ही इंस्टॉल होते हैं। इनमें आगे जैसे MS Word, MySQL, Photoshop, BLC, Google Chrome, ऑल दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास पॉपुलर चार नंबर सिस्टम है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। कंप्यूटर में जो भी डाटा और प्रोग्राम स्टोर होते हैं वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होते हैं, मींस 1 और 0 के फॉर्म में स्टोर होते हैं।
नंबर सिस्टम आर द टेक्निक टू रिप्रेजेंट नंबर इन कंप्यूटर। नंबर सिस्टम एक टेक्निक होती है जिससे हम नंबर कंप्यूटर के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो मेनली इन चार नंबर सिस्टम को सपोर्ट करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होता है, मीन्स 2 वैल्यू स्टोर कर सकता है अपने अंदर, और वो कौन सी वैल्यू होती हैं, 1 और 0। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 होता है, मतलब 10 डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ स्टोर कर सकता है, या जैसे 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, up to 9। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है, मतलब आपकी 0 to 7 तरह की वैल्यू को ये स्टोर कर लेता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपके जो नंबर के कम्बिनेशन बनते हैं वो 16 डिफरेंट वैल्यू से बन सकते हैं, 0 to 9, और 9 के बाद A to F, ABCDEF। आगे आपका जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका बेस 10 है, क्योंकि इसमें 10 डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर के कम्बिनेशन से डेसिमल नंबर बन सकते हैं। और दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें जो नंबर हैं वो 2 कम्बिनेशन से भी बन सकते हैं, 0 और 1 के कम्बिनेशन से। जब हम डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी देखेंगे, क्योंकि जो यूज़र अंडरस्टैंड करता है वो डेसिमल फॉर्मेट होता है, 73, 74, 15, 100, और जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। तो हमें इनका कन्वर्जन आना चाहिए ताकि हम समझ पाएँ ईजीली कि कंप्यूटर हमारी इंस्ट्रक्शन को कैसे अंडरस्टैंड करता है, कैसे डिकोड करता है और उनको कैसे सॉल्व करता है। तो सबसे पहले हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके देखेंगे। 37 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपने क्या करना है, 37 को डिवाइड करते रहना है 2 से। 2 से किए डिवाइड 18 आया, रिमाइंडर क्या बचा, 1। फिर से 2 से किया, रिमाइंडर बचा 0। फिर से 2 से किया, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। ये जो बन है आप एज इट इज़ लिख दो। तो आपका जो इसका बाइनरी नंबर बनेगा वो आपने क्या करना है, यहाँ से ऊपर को जैसे ये एरो लगा हुआ है ऐसे आपने नंबर राइट करना है। तो आपका जो नंबर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका बाइनरी नंबर, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की ओर। तो 37 का बाइनरी क्या बन गया, 100101। अब हम इसको सेम ही नंबर को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे। हमारा नंबर अब हो गया 100101। जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या करना है, इसके साथ 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, अप टू सो ऑन, ऐसे लिखते रहना है। और जब इसको सॉल्व करना है तो आपने क्या करना है, जो भी ये नंबर लिखा होगा बाइनरी वाला इनटू जो भी 2 रेज़ टू पावर इसके साथ आया, जब 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5, 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4, अगेन 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3, अगेन 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2, 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये आ गया हमारा 32 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, और ये बन गया हमारा 37। तो ये था हमारा बाइनरी टू डेसिमल। तो इसी तरह आप डिफरेंट नंबर पे एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं आपका इनका कन्वर्जन। अब हम जाते जाते जो क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के बनते हैं इम्पोर्टेंट वो देख लेते हैं। जो इस चैप्टर के क्वेश्चन बनते हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। अगर आपको इनके आंसर देखने हैं तो यूट्यूब के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और आप इनके आंसर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे जो ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो भी आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर मैं इनको बोलूँगा तो ये वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो बेटर है कि आप यहां से इनको अपने आप ही पढ़ लें। अब मैं एक बार फिर से आपको क्विक बता देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा। चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसमें क्या था, हम कंप्यूटर के बारे में बेसिक और इसेंशियल चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे। कौन कौन से टॉपिक थे इसमें, हम कंप्यूटर के एडवांटेज डिसएडवांटेज, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी,
इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सॉफ्टवेयर और नंबर सिस्टम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। और अगर आपके पास 9 टू 12 कंप्यूटर साइंस का स्टडी मटेरियल नहीं है, जिसमें आपका सिलेबस, आपकी बुक्स की पीडीएफ कॉपी और वीडियो ट्यूटोरियल अगर नहीं है, तो आप हमारी वेबसाइट magicinfo.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक अवेलेबल है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इस लिंक पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप जैसे ही magicinfo.in पे जाएंगे, आपने प्रोडक्ट में हिमाचल प्रदेश पे क्लिक करना है और स्कूल में कंप्यूटर साइंस में आपको इस तरह के 3 ऑप्शन मिलेंगे, बुक, सिलेबस और वीडियो। इन पे क्लिक करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है magicinfosynopsis@gmail.com। जय हिंद, जय भारत।